Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. व्रत के लास्ट डे में आप सभी का स्वागत करते हैं. मैं सभी को लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं और दो दिन अभी कल जन्माष्टमी था तो कल के लिए आप सभी को मतलब हैप्पी बिलेटेड कृष्ण जन्माष्टमी. आपका दिन शुभ हो और आप लगातार कंटिन्यू यूं ही पढ़ाई करते रहें. शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ. आज हमारा पहला क्वेश्चन है 86 तक इन लोग को होमवर्क दिए थे लेकिन बहुत क्वेश्चन लोग छोड़ भी दिया हमें जाता लग रहा है. तो 86 में क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है. ठीक है, ऐसा दिया हुआ है. तो ये हो गया जीवा, ये हो गया त्रिज्या इसका 3 सेंटीमीटर ना जी, और ये पूरा दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर बोलो ना. तो बोलता है उस जीवा की लंबाई कितना होगा, यही ना, उस जीवा की लंबाई कितना होगा. तो ये नहीं दिख रहा है, ये 4, ये कितना हो जाएगा, 4, तो मिलकर कितना हो जाएगा जी, 8 सेंटीमीटर. फटाफट फटाफट उतार लेंगे तेजी से, एकदम देरी ना करें. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा. आप लोगों को खाली बस वीडियो को रेगुलर देखना है और ग्रुप डी सब के लिए भी लगातार वीडियो मिलेगा, स्पोकन के लिए भी लगातार वीडियो मिलने वाला है. वीडियो मतलब बनना सिर्फ बाकी रह गया है, बाकी हम उस पर काम कर चुके हैं. आज हम लोग लेके आएंगे दैट पर. तो प्रैक्टिस भी साथ साथ करना जिसको स्पोकन सीखना है. मैं बता दूं सभी दर्शकों को, स्पोकन अगर सीखना है तो फिर से न्यू सीरीज ला रहे कागज पेपर और पेन के द्वारा, जिसमें हम दिस का खत्म कर चुके हैं, डेट का भी अगर आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे. रेगुलर देखें आप, अच्छा बन जाएंगे. ठीक है, स्पोकन में सुनाई दिया जी आप लोगों को भी. तो हिल गया, देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लगी है. 87 की ओर चलते हैं. 87 में दो, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ये तो लगता फुल टॉस है जी, है बनाओ जी. एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी 8 और 6 सेंटीमीटर है. ए पकड़ लेता पूछिए, और ए बी और ए सी है, ये बी और ये. उसके बाद क्या बोला, उनका कोण बी ए सी 90 डिग्री. बी ए सी कितना, वही दिक्कत, ये 90 डिग्री. जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो ये कौन सी हो गया जी, व्यास. ये ऑटोमेटिक जैसे ही 90 डिग्री हो चुकी परिधि पर बना को 90 डिग्री तभी हो सकता जाओ अर्धवृत्त होता, समझे. तो ये 90 डिग्री तो ये व्यास हो गया. तो पूछा कौन सी जी, तो ये एक होते ए बी का मान कितना था, 8. बीसी का मान कितना, 6. तो ये तुमको नहीं दिख रहा 10, ये कितना हो जाएगा पूरा 10. तो त्रिज्या पूछा है तो 10/2 कितना होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 10 ही मार देना आंखिया मुंह कर. ठीक है, बहुत लोग आदत होता है कि जैसे बनाए फटाक मार दिए, ये त्रिज्या नहीं निकला पूरा, निकला व्यास, कोई परेशानी कोई दिक्कत. चलो आगे बढ़े, इसी बात पर आगे बढ़े बाबू भैया, कुछ नहीं बोलता है बाबू भैया की बोलने से. ए बोलो ना बाबू भैया सब. हाँ, तो 87 भी हमारा क्लियर हो गया, सॉरी 88 क्या तुम लोग बना पाओगे क्या. 88 में बोला ए बी एक वृत्त की जीवा है, किधर से बनाया जी, ए बी वृत्त की जीवा है. हम लोग तो हमेशा ए बी इधर बनाते थे, ए बी वृत्त की जीवा है. ठीक है, पी ए टी वृत्त, वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है. ठीक है, अरे बाप रे, बी ए टी 75 डिग्री, बी ए टी कर देते इसको, तो ये कितना डिग्री, ठीक है ना, ये टी कर दे ना, बी ए टी, बी ए, बी एस एक्स,
बी ए तो सी इधर होगा, इसका मतलब बी ए सी कितना? बढ़िया ए बी सी ए। अरे नुनू खा गई, कौन सी है जी? 75 डिग्री है। एकांतर वृत्त खंड के कौन? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 75, 5, 80, 40, 20। ये कितना? अरे राजू तो ऐसे कैलकुलेशन कर लेता है, और इच्छा भले न कर पाए इधर भी फटाक कैलकुलेशन करेगा। क्वेश्चन रडार पर रहेगा तो हम एको को राफ थोड़े कर देंगे। ठीक बोला नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन रडार पे तुमको डर आता है, ठीक है ना? इस बार ऐसा धोवाए हो तुम लोगों कि जिंदगी भर याद रखोगे कि धोवाबो किए थे हम लोग, 40वें नंबर में टच कर पाए थे। सर क्या जिंदगी भर सीखते रहो, तुम लोग सीखते रहो, जिंदगी भर सीखने के लिए तो है। कैसा पार हो जाएगा तो बोलेगा सीखते रह गए थे हम लोग, सीखते रह गए हम भी, सीखते रहना सीखते रहते हैं, सीखते रह सीखने के लिए तो जिंदगी भर पड़ा है, सीखते रहो जिंदगी भर बैठ करके। कोनो काम कर तो वहां भी सीखते हो, सीखने के लिए टाइम रहता है, पीरियड रहता है, सीखते रहता है। एक बार टेस्ट में आगे बढ़ गए, दूसरा टेस्ट में मान लेते हैं इतना भी घटिया नहीं आ जाएगा कि 30-35 में आ जाएंगे। हाँ? नीचे गिरने का मतलब ये थोड़ा ना था कि शेयर मार्केट सोच लियो। हाँ? सीधे दम शेयर मार्केट दे दम गिरता धाम, मार्केट बना दिया शेयर मार्केट 88 बना दिए क्या हम लोग 89। एको को बनाओ किताब लाया है कि नहीं? किताब ला करके बनाए सोने देख कर करके सोने चलते हैं 89 की ओर। तो 89 में क्या बोला? त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर ना जी, त्रिभुज एबीसी बनाओ, ए बी आधे पर किसी तरह खत्म करो इसको, खत्म किसी तरह खत्म भी कर दिए। ए बी सी में एसी पर कोई बिंदु डी ले लिए, ठीक बढ़िया बात है। यदि पी क्यू एक्स वाई क्रमशः पी क्यू का ना है ए बी पर, ए बी ए है, बी बी सी पर, क्यू ए डी पर, एक्स डी सी पर। अच्छा ठीक है, तो मध्य बिंदु, अरे मध्य बिंदु जब बोल दिया ना तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर ये चलो मिला देता था बढ़िया लगे, ठीक है ये और ये क्या थेस पर में लग रहा देखने क्या और कुछ मिलेगा? समांतर हो ये जाएगा तब ये मिलेगा, और कुछ मिलेगा क्यों मिला दें क्या? सूरज मिलाने से ठीक होगा नहीं? वो कुछ नहीं बोलता है, है? अच्छा इससे कुछ होगा क्या? पूछा क्या है सर? पूछा क्या है उसी के अनुसार पी एक्स और पी एक्स पी एक्स और यू वाई ये वाला। अरे तो एक अनुपात एक आंसर है कि एक अनुपात दो लोग एक अनुपात एक ही होगा देखो तो अंतर एक अनुपात एक। तो लाना होगा कैसे लाना होगा बोलो? इतना इतना खींचना तो जरूरी है कि किला मिटा देंगे, ये वाला मिटा देंगे लेकिन उससे कुछ तो दिया होगा तभी तो इस तरह ले रहे हैं ना। अगर हम ले लेते हैं ये वाला, ये मध्य बिंदु है ना जी, मध्य बिंदु है, और ये वाला इसका मध्य बिंदु है, तो इसको मिलाना होगा, ठीक? तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? तो मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं ये और ये समांतर हो जाएगा। बोलन कोई बोलन, मध्य बिंदु वाला पे हम खेल किया है ना,
समांतर ये हो जाएगा और समांतर होने के साथ साथ ई यानी पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा बी डी का आधा हो जाएगा बड़े हुए, सॉरी पी एक्स होगा, पी एक्स जो होगा बी डी का आधा हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब मध्य बिंदु देखो ये इसका ये पूरा ये पी जो है इसका मध्य बिंदु है और एक्स इसका मध्य बिंदु है, त्रिभुज में है कि नहीं पूरा में देखो, तो क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर बी डी बाई टू हो जाएगा। हम पी एक्स और क्यू आई में रिलेशन लाना यही ना, ये वाई जो है इसका मध्य बिंदु है, बोलिए बोलिए बोलिए, तो हमारा क्यू वाई फिर क्या हो जाएगा, क्यू वाई बराबर हो जाएगा वही बी डी बटे फिर टू। तो हम देख सकते हैं कि पी एक्स बराबर क्या हो गया क्यू वाई, तो पी एक्स बाय क्यू वाई का रेशियो क्या हो जाएगा जी, 1:1। अरे बड़ा सिंपल था जी, पछड़ रहे हैं, लिख लीजिए बहुत है बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन खाली फिगर खाली पर खेल है जी, जो नेशन बात बढ़िया से बता देते हैं। हम लोग थे किए थे मध्य बिंदु का, अगर कहीं भी इस दिन पहले वो सिखा देते हैं पहले मतलब फिर बोलेगा कैसे बना दे। ए बी सी डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, और इसको जब मिलाते हैं ना तो डी ई हमेशा होता है, एक तो डी समांतर बी सी होवे करता है, साथ ही साथ डी जो होता है वो बी सी का क्या होता है आधा होता है, दोनों होता है। तो वही चीज हम इस त्रिभुज यहां से देखो, ये वाला ये त्रिभुज है ना ये वाला, तो ई मध्य बिंदु ई भी मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं ये वाला समांतर ये होगा साथ ही साथ आधा हो जाएगा। इधर वाला हम जब इस त्रिभुज मान लेते हैं इतना वाला में, तो ये वाला हो जाएगा क्यू वाई बराबर बी डी का आधा हो जाएगा, देखते हैं बी डी बटे टू बी डी बटे टू, राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड बराबर, लेफ्ट साइड बराबर हो गया तो हम अनुपात हमेशा एक अनुपात हमेशा। चले आगे बढ़ा बचवा देता थे जी, तो 89 भी खत्म कर दिए, 90 भी हम लोग कर ही देंगे जी, 90 तो हमको लगता है कि बहुत इजी लग रहा है, 90 पछलाएगा क्या। ए बी वृत्त का व्यास है, चलो पहले वृत्त बना दो व्यास उसके बाद ही कुछ करेंगे, ए बी व्यास ना जी बड़ा अच्छा लगा जब व्यास होता है, ए बी व्यास है ए बी सी डी उसके भीतर चक्र चतुर्भुज है, तो किधर से करें नीचे से ऊपर से, ऊपर से कर देते हैं कोई दिक्कत, ए बी सी डी चक्र चतुर्भुज बन गया। अब जो है कोण ए सी डी कितना है 40 डिग्री, ए सी डी बन गया था ना 40 डिग्री, ये 40 डिग्री ये कितना डिग्री 90 डिग्री ब्याज दर आप बना कर भूल जाते हैं क्या सचिन, तो हो गया क्या, तो की पूछा जी बी और ये पूरे पूछा 50 डिग्री नहीं, तुम्हें तो ना बी ए डी गजब बात करते हो, बोल लेते हो कहते नया भी क्या आराम से बना चक्र चतुर्भुज के सम्मुख पूर गई हो 180 डिग्री, तो ये पूरे 130 डिग्री ना हो गया, ये 50 डिग्री हो गया एकदम हल्का था जी, हैं बोले 90 एकदम पक्का 90 बना रहे थे, बड़ा पुल कर दे दिया था हम लोग के लिए, तो खुशी वाला बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ठाक है ना, और आप लोग जो भी देख रहे हैं पूरा वीडियो को देखिए, और वीडियो देखने के बाद क्या प्रॉब्लम रह जाता है, पूरा जितना भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाए लगभग 5 वीडियो का शायद छठा वीडियो है क्या, जितना भी वीडियो है आप लोग सारा वृत्त का देखिएगा, हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई से इच्छुक हैं आप हमारे जो मन सो वीडियो को ना देखें, बहुत सारे वीडियो हम जो मन सो भी बनाए वो सब वीडियो ना देखें, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में बना दिए उसमें जाकर के देखिए, मेंसुरेशन उसका ज्योमेट्री, उसके बाद आपका अभी क्षेत्रमिति भी हो चुका है, वही मेंसुरेशन हो चुका है, अभी अलजेब्रा आने वाला त्रिकोणमिति भी हो चुका है, तो सभी वीडियो को कंटिन्यू आते रहेगा, कंटिन्यू वीडियो को कंप्लीट देखें मजा आ जाएगा, आप जरूर से जरूर एग्जाम क्रैक करेंगे मेरा दावा है, ठीक है। चलिए 90 भी खत्म कर दिए, 91 देखते, 91 तो लगता है इजी भी लग रहा है, बोलो ना कर तुम लोग जब बोलते हो इजी ना तो हमको भी लगता है कि हाँ बना दें, सब थकेला बुतरू जैसा लगता है लोग, थकेला बुतरू जैसा क्या करते हैं सब, लगता ना जैसे पढ़ने की इच्छा एकदम खत्म हो चुका है, सारा एनर्जी हमारे ऊपर सब डाल देता है लगता है सब थकेला गजब समय रंजन। चलिए अभी बताते हैं तब तो।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में क्या बोला जी, पी क्यू आर तीन बिंदु है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू कितना, पी क्यू कितना 3 सेंटीमीटर बढ़िया, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर कोई बढ़िया, कोई दिक्कत, और पी आर, अरे रे रे देखो पी आर देखो मिल गया, जोड़ने पर कितना आ रहा है यहाँ पे 5 3 कितना हो गया 8, और ये पूरा दे दिया 8, इसका मतलब सररेखा पे बनेगा, कोई दिक्कत, सररेखा बनेगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना चाहिए, सररेखा पे बन रहा है, और सररेखा में कोई वृत्त नहीं खिंचा सकता है, कोई वृत्त नहीं खिंचा सकता है, जीरो ठीक है, इसलिए जीरो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सररेखा में 3 बिंदु संरेखीय अगर हो गया तो उस 3 बिंदु से हम वृत्त नहीं खींच सकते हैं। हाँ बउआ अगर ऐसा रहता तो खींच पाते हैं, देखिए ऐसा हम लोग खींच सकते थे, लेकिन इस बिंदु पे हम लोग कभी भी सररेखा में नहीं खींच सकते हैं, 3 बिंदु का सररेखा में हो गया तो कोई भी वृत्त नहीं खींचा सकता, नहीं वृत्तों की संख्या कितना होगा, दो बिंदु से बोलेगा था ना, तीनों बिंदु से गुजरना चाहिए, तीनों बिंदु से कहाँ जाएगा शीर्ष लेते हुए परिधि, दो बिंदु से आराम से की जाएगा, ये देखो फटा यहाँ करेंगे फटा, दो बिंदु को पकड़ के खींच सकते हैं, लेकिन 3 बिंदु जा रहा है तो बिंदु छूट जाएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन के अनुसार पढ़ना होता है बउआ। 91 का गर्दा खत्म, 92 पे आए, 90 कितना पर आए थे, 92 93 की 92 92 आइए 92 की बात करते हैं, ठीक है, 92 में क्या बोल रहा है, एक वृत्त दिया हुआ है और ए से स्पर्श रेखा करते हुए ये कहां तक पहुंच गया, टी तक, और वही बी सी जो आगे बढ़ाते हुए, बी सी को आगे बढ़ाते हुए कहां पर मिल जाता है, टी पर मिल जाता है, ये टी, और सी ए टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 44 डिग्री, ये कितना दिया बी टी ए 40 डिग्री, और इसको हम अगर मिला दें तो ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना 96 डिग्री, ये 96 हो जाएगा तो हम बता सकते चतुर त्रिभुज के बाई कोण का ये दोनों मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 84 डिग्री, ये एकांतर वृत्तखंड के कोण यहाँ पे बनेगा, ये देखो ये वाला कितना डिग्री 44 डिग्री, तो ये कितना डिग्री 52 डिग्री, और हमारा बीसी से बोल रहा है केंद्र वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कोण बीओसी बराबर हो जाएगा कोण बीएसी का दुगुना, यानी कितना हो जाएगा 52 गुना 2 104 डिग्री, यही क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। चलिए फटाफट आगे जल्दी उतार लो, उतार लो बाबू भैया, नाइन्टी थ्री की ओर बढ़ते हैं, अगर जो समझ में नहीं आया होगा आप लोग को तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, 93 में बना पाओगे क्या, 93 में क्या बोल रहा है जी, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये तो लगता है फुलटस फुलटा लग रहा है ना, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी त्रिभुज एबीसी में भुजा एपी तथा एसी के मध्य बिंदु है पी और क्यू, एपी तथा एसी के मध्य बिंदु पी और क्यू है, मिला दिए दिक्कत कोई परेशानी, अब क्या बोला, आर एक रेखा खंड, आर एक बिंदु है, आर एक बिंदु है, कहाँ है आर एक बिंदु है खंड पी क्यू पर, खंड आर एक बिंदु है पी क्यू पर आर, ठीक है क्लियर, पी आर तथा आर क्यू जो है 1:2 दिया है, पी आर और आर क्यू ये 1 है तो ये 2, ठीक है, पी आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, पी आर का मान है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना हो गया जी 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, पूछा की तो ये तो फुलटॉस क्वेश्चन था जी, कहाँ जाएगा नुनू बच करके, नुनू बाबू था है, क्योंकि मध्यबिंदु पहले बोल दिया था तो मजे आ गया ना, पंकज के पहले नहीं पड़ा, फिर से बोल ये पी जो है मध्य बिंदु है, ये क्यू इसका मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु होता है तो ये रेखा और ये कर समांतर होता है, यानी पी आर जो सॉरी पी क्यू जो होगा बी सी का क्या होगा आधा होगा, यानी बी सी बराबर क्या होगा पी क्यू का दुगुना होगा, ये 1:PR और आर क्यू जो है 1:1 दिया है,
और पी आर का मान दो दे दिया तो ये एक भाग दो दिया तो दो भाग कितना होगा, दोनों मिला के कितना होगा, छह, पूरा छह हो गया तो ये कितना हो जाएगा, बारह। क्लियर? देखो खत्म कर दे रहे ना फटाफट, चलो आगे बढ़ो जल्दी से। 93 भी खत्म कर दिया, 94 बना पाओगे क्या? 94 बना पाओगे? 94 बनाते जल्दी उतारो फटाफट। 94 में क्या कह रहा है, 94 में कह रहा बहुआ कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा एसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी और ए बी और एसी पर ए बी पर डी और एसी पर ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर 1/3 ए बी, इसको मिला देते हैं पहले 1/3 ए बी। अगर अगर ये एक है तो ये कितना है, दो है, क्योंकि 1/3 ए बी है, ए बी मतलब तीन है भाग, ए बी पूरा तीन भाग, तो ए डी का मान एक भाग है तो ऑटोमेटिक डी बी का भाग कितना होगा। आगे बढ़ते हैं, तथा ए बराबर 1/3 ए सी उसी तरह दिया है, ये एक भाग है तो ये दो भाग है, तो जब इस तरह का रेशियो निकल जाता है तीन, अरे 1/3 ए सी तो उसी तरह का भाग हो गया, तो यानी कह सकते ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। तो थेस प्रमेय के विलोम से जानते हो ना, थेस प्रमेय के विलोम से नियम जानते हो कि क्या जानते हो जी, डी समांतर बी सी। तो कौन सी क्वेश्चन पूछा, बी सी का लंबाई 15, कहना है बी सी ये 15 तो वो कहता है 7.5, कोई दिक्कत ऑप्शन में नहीं है, 7.5 कैसे होगा सर, क्योंकि ये भी तो एक हो जाएगा ना। ना उस तरह नहीं होता है, मतलब कब होगा, मध्य बिंदु होगा तब हो पाएगा, तो मध्य बिंदु नहीं होगा तो हमारा जानते हैं कि ए डी अब बटे हमारा ए बी बराबर होगा डी बटे बी सी, ठीक है, ये नियम तो जानते हैं ना। ए डी का मान हमारा 1 और ये का मान है 3, ठीक है, डी का मान कितना है निकालना है क्या, एक्स, बी सी का मान दे दिया कितना 5 होगा जी, ठीक है, तो हमारा डी का मान कितना 5, ये होता है, ये तभी हो पाएगा आधा जब मध्य बिंदु होगा संबंध ये वाला, इसी तो लिख कौन वाला, ये वाला, ये जैसे ही हो जाता है ना तो हमारा डी समांतर बी सी, और डी समांतर बी सी होगा तो इसका नियम है ए डी बटा पूरा ए बी और बराबर डी बटे पूरा बी सी, ये नियम होता है, वो मध्य बिंदु तब नहीं हो, मध्य बिंदु जब तक नहीं कहे ना तो आधा नहीं होता है, ठीक। 94 भी क्या हो गया जी, 94 भी खत्म हो गया, 95 चला फटाफट, अरे खत्म कर देंगे, 100 तक जाना है ना, 100 ही तो जाना है जी, 94 तो एकदम बहुत ही सिंपल लग रहा है, एकदम देखते ही आंसर वन, एक चक्र चतुर्भुज का पाई कौन, हे महादेव देख लो, महादेव देख लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है एकदम 95, ये कितना डिग्री, 50 डिग्री, क्या नाम है इसका, कुछ ना दिया, ये 50 डिग्री तो बोलता आंतरिक सम अभिमुख कौन कितना होगा, 50 डिग्री, दोनों बराबर होता है, आंसर हो गया एकदम नियम से, आंतरिक समूकोण कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, आंतरिक समूकोण बराबर होता है बाह्य कोण का, आंतरिक समूकोण कैसे होगा बता दे कि, बता दे कैसे, अरे इसको मान लो एक्स, ये मान लो वाई, अरे मान लो एक्स प्लस वाई कितना डिग्री, 180 डिग्री, और y प्लस जेड भी कितना, अरे ये दोनों मिलकर रेखिक, अरे ये दोनों चक्र चतुर्भुज, तो y प्लस वाई कट जाएगा तो x बराबर जेड नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं नियम से, तो 95 भी खत्म कर दिए, पंकज के अनुसार अगर चलेंगे अभी तो खत्म हो गया रहता उस तरह नहीं करना है पंकज, ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ना है सही ईमानदारी पूर्वक, हम तो हम क्या बार हम भी दिखा गए, समझे कि दिख दिखा करने का मतलब हुआ कि बीच में इतना कट जाता है वीडियो बनाने में, और कितना कट करता है हम ही जानते हैं, समझे कि नहीं, बहुत वीडियो में कट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इतना, लेकिन फिर भी करते हैं ना, लेकिन फिर भी वीडियो नहीं देखता लोग का क्या करोगे, लोग का विचार ठीक नहीं है। तो 96 पर आ जाते हैं, 96 में क्या कह रहा है, सबके पास किताब लेकिन रहता है तो बढ़िया होता है, एक दूसरे सब लेके नहीं आता है, सचिन ने लाया है,
राजू ने लेके आया है, सूरज ने लेके आया है, कौन वाला है? हम देखने रहते तो एक राजू खाली लेके आया, सचिन ने लेके आया, बाकी सब लेके आए। अगला दिन से जब हम लोग एलजेब्रा कल से शुरू करेंगे, किताब सबके पास होना चाहिए, ठीक है? इन्हें सर 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 दो ही चार दिन में खत्म कर देंगे बढ़िया से। कितना एलजेब्रा के क्वेश्चन है बाद में देखते हैं। तो 96 में क्या बोला, जे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने आता है समद्विबाहु त्रिभुज? हम तभी समद्विबाहु त्रिभुज रहता है, इसी तरह बनाते हैं। ये ए बी, ए बी बराबर हमेशा क्या करते हैं, ए सी दिया कि कौन दिया? अच्छा लगा जी, जब ए बी बराबर ए सी दे दिया, जब ए बराबर ए सी दे देता तब इस तरह बना लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता। आगे बोलता है उसमें बी तथा सी से गुजरने वाला, बी तथा सी से गुजरने वाला, बी और सी से गुजरने वाला एक वृत्त कैसे जाएगा जी? अरे बाप रे, चित्र बनाने में विचित्र हो गया। अच्छा, जाने वाला ए बी तथा ए सी को, हाँ ये कौन सी, ए बी को कितना पर, अरे डी, अच्छी बात है। आगे क्या बोला, ई प्रकार था, डी बी सी ई चतुर्भुज की, डी बी डी बी सी ई मिटा देंगे, अल्लाह बना देंगे, यही ना? अच्छा, डी समानांतर बी सी, ऐसे तो लग रहा है डी समानांतर बी सी, क्या कैसे लेकिन वो लाना है, बाबू भैया को लाना है। तो बाबू भैया ये कौन कत्ता डिग्री है? अरे ये अगर x डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी x डिग्री होगा ना जी? अरे बोला था ना जी, सम्मुख कोण जानते हो ना, मतलब आमने सामने भुजा बराबर होता है, जब भुजाएं बराबर होती नहीं जानते हो? अरे बोलो तो कुछ बोल भी नहीं करता, नहीं बोले तो कैसे काम चलेगा? अरे 45 डिग्री 45 डिग्री नहीं होगा क्या, नियम नहीं जानते हो? हाँ ना, नहीं बोलोगे तो कैसे काम? कहाँ लिए हम, कहाँ लिए? एक्स डिग्री और एक्स डिग्री, जब ये एक्स डिग्री और ये एक्स डिग्री, तो बताइए ये कितना डिग्री होगा? 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स, तो ऑटोमेटिक ये कितना डिग्री हो जाएगा? एक्स डिग्री होगा ना। और ये संगत कौन है, कौन कौन है संगत कौन है? इसीलिए डी समांतर बी सी बहुआ आंसर, कोई मार्क आएगा समांतर बोले समांतर, देखा ना, जब संगत कौन बराबर नियम ना सुने हो कि वो कन्वा कन्वा से बराबर हो जाएगा, समांतर फटाक हो जाएगा, बहुत नियम जानना पड़ता है, दो चार को तो नियम है। जल्दी करो बहुआ भाई, को नहीं होगा उतने से तो अवसर में नहीं है, कहाँ जाएगा नंदू बच कर, कहाँ जाएगा? पल्ले पड़ा कि फिर से बताएं हैं? अगर नहीं हुआ तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे फिर से। अरे अभी ए बी बराबर ऐसी ना दिया था, ये कौन बराबर ई कौन, नियम जानते नवा क्लास में या दसवा क्लास में दिया थी, ठीक है? अरे नीलो लता ना पूरा बुझाना, खाली बुझता नहीं है ना, हमको बोलता है खाली, हाँ ये बुझा और ये बुझा तो बराबर, तो ये कौन बराबर होता है थ्योरम से, तो ये एक्स डिग्री तो ये भी एक्स डिग्री हुआ, और ये चक्र चतुर्भुज में है दिखने रहा है, तो एक्स डिग्री होता 180 माइनस होगा, और 180 माइनस एक्स में 180 डिग्री घटा देंगे, मतलब 180 में घटाएंगे, सॉरी 180 में 180 माइनस एक्स घटा देंगे, तो ये 180 घट जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये एक्स डिग्री हो जाएगा, और ये बराबर ये जब हो गया तो जानते हैं इस तरह का कोण जितना होता है उसको कहते हैं संगत कोण, और संगत कोण जहां बराबर होता है, एकांतर कोण जहां बराबर होता है, वहां हमेशा समानांतर होता है, नियम याद रखो, ठीक है? चलिए आगे, 96 पे खत्म कर दिया, 97 पे पहुंचे, 97 क्या कह रहा है जल्दी बताइए, पी केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास, पी केंद्र वाले
एक वृत्त के व्यास ए बी के छोरों पर, अरे छोरों छोरियों से कम आका बताओ जल्दी बताओ, तब ए व्यास ए बी के छोरों पर, अरे देखो ए बी और ये छोरों पर स्पर्श रेखा खींची गई है, इस पर खींचा गया बाबू भैया, देखो इस पर खींचा गया बाबू भैया, और यदि बिंदु सी पर वृत्त की एक स्पर्श का अन्य बिंदु सी पर इस तरह से खींचा गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्या नाम दिया गया था सी सी, तो अन्य दो स्पर्श का पी क्यू और आर पर, क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करें, यही ना, तो बाबू भैया ई आर ये कौन सी, ये कौन सी, ये भी कौन सी, ये भी कौन सी, ये कौन सी है, ये आर तो ये कौन सी रूट टू आर ना होगा, ये कौन सी, और जब रूट टू आर होता है तो पता है ये 90 डिग्री ये बराबर बराबर तो ऑटोमेटिक, ये 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री, तो ये कौन पूछ रहा था बी सी ए ना जी, कौन बी सी ए कितना डिग्री, कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी सर, क्यों पी आर का मान, कहाँ क्यों पी आर, क्यों पी नीचे पी आर का मान और आर ऊपर, अरे कैसे कैसे फिगर तो बनाती है, तो रुकिए फिर से देखना तो क्यों फिगर है तो गलती बनाती है कैसे, तो एक स्पर्श अन्य दो स्पर्श रेखाओं को क्यू आर पर प्रक्षेपित, ठीक तो किए थे क्यू पी आर, ये कौन पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है, यही ना, तो बाबु भैया ये कौन वहां पूछा, ये कौन वहां, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री वही चीज हुआ जिधर से लेंगे, ये आर तो ये भी आर वही चीज हुआ, 45 खाली नाम दे देगा, यहाँ पे कौन सी क्यू पी आर ना, कौन क्यू पी आर बनाए सही थे लेकिन तरीका ठीक नहीं था, फिगर थोड़ा सा ठीक ठाक कर देंगे समझे कि नहीं, गलत फिगर बन गया था उल्टा कर दो, कर दिए हो गया है टेंशन मतलब बन गया, और भागने से काम नहीं चलेगा, भागा भागा के तुमको ये छोड़ेगा नहीं, जिससे भागोगे ना वही तुमको पकड़ेगा, याद रखना ठीक है, भागना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, डट कर लड़ो है, अंदर बाहरी आक्रमण करेगा विदेशी आक्रमण, हाँ सोना तुम्हारा सब लूट लेगा, सोमनाथ मंदिर को कैसे मोहम्मद गंज ने आक्रमण किया था, कितना बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, और लास्ट में 225 में सोमनाथ मंदिर को पूरा शिवलिंग तिवलिंग तोड़ ताड़ करके जितना भी पैसा खजाना सब लूट के ले गए, पता है कि तो भगवान तो कुछ नहीं किया होगा बाद में बताएंगे, ये तो अभी बात में गलत कह रहे हैं, 97 हो गया, 98 पे बात करें, सब कमजोर दुष्ट सब तुम लोग हो, दुष्ट हो अपने घर, ए कौन ए बी त्रिभुज सॉरी त्रिभुज ए बी से बी सी को डी तक बढ़ाया गया ना जी, त्रिभुज ए बी सी को कहां तक बढ़ाया गया, बी सी को ना बढ़ाया डी तक बढ़ा दिया, बढ़ा दी कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, बढ़ा दिए, कौन ए सी डी कितना है, ये कितना 112 डिग्री, यही तो जब 112 है तो ये कितना, इससे कोई मतलब रहेगा क्या, देखते हैं कौन बी बराबर, देखिए कौन बी बराबर कौन, यही ना है,
कौन बी बराबर बोली जल्दी से, कौन बी बराबर कौन तीन बटे चार कौन है यही ना, तो कौन बी और ए का रेशियो तीन अनुपात चार यही। तो हम लोग जानते बाह्य कोण का नियम जानते हो कि बाह्य कोण जो होता है अंतःभिमुख कोण के योग का बराबर होता है, यानी कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। तो कोण ए सी डी का मान कितना, ये तीन है वो चार, तीन प्लस चार कितना होता है तो सात बराबर एक सौ बारह, तो एक बराबर कितना सात एक सात सात से सोलह डिग्री। तो किसका मान पूछा जल्दी से बताइए, एक का मान पूछा, एक का मान कहता है चार, 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 तो चार कितना चार में सोलह डिग्री चौसठ डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कोई परेशानी की बात बताइए, 98 भी खत्म कर दिए, 99 अच्छा से फेर कर लेना साफ सुथरा, ठीक है, अच्छा से साफ सुथरा फेर कर लेना और अच्छा से बनाना, पंकज का बात बिल्कुल ना सुनना, सब चीज बनाते रहना और भी चीजों को बनाना रेगुलर रेगुलर, एक यही चीज को दोहराना, कहीं गलती कुछ अपने से बना के देखना, जैसे बाह्य कोण वाला नियम जरूर जानना त्रिभुज का, त्रिभुज के बाह्य कोण से ये काम किए, ठीक है। तो दो सवाल बच गया क्या, अब 99 कहां जाएगा, झटका लगा लेते हैं जी, 99 का झटका, शतक आज मार ही देंगे हम लोग, बहुत ही शतक से चुके हैं हम लोग, फिफ्टी कितना चलेगा, इंडिया से हार रहा है और शतक मारना होगा ना, जरूर तो कमाल करता रहा इंग्लैंड का है, लगातार तीन मैच तीन शतक गजब किया, और इंडिया का तो कोई जल्दी धो नहीं पा रहा है, कोहली में तो जंग लग गया है। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ए बी सी डी में असमान भुजा वाले चतुर्भुज ए बी सी डी में बनाइए, असमान भुजा बनाइए, ए बी सी डी और विकर्ण समकोण पर काटती है, देखिए इधर समकोण पर काटी, कोई दिक्कत, सब नब्बे नब्बे है, कोई परेशानी की बात, बाबू भैया कहते पर क्या नाम दिया है, कुछ की नाम दे दीजिए, कुछ नहीं दिया तो हम अपने से वो दे देते। तो बोलता है तो के की बराबर है कहता सब तो ये 90 जब दे दिया तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, ए बी बराबर हो जाएगा ए वो स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन, इसमें आ जाओ बी सी स्क्वायर बराबर है ओ बी स्क्वायर यानी बी ओ स्क्वायर प्लस है डी ओ स्क्वायर, हाँ जी भाई डी ओ कहां से आया, बी सी जा रहा है ना, बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। चलिए आगे बढ़िए, उसके बाद बढ़िए कहना बढ़िएगा ए डी की प्लस सी डी सी डी सी डी, तो सी डी बराबर हो जाएगा डी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, अरे कुछ तो बोल दीजिए, ए डी स्क्वायर आप लोग बोलिए ना जी, ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर चार, क्या क्या देख रहे हो जी, सब बराबर, ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को एक साथ जोड़ो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर अब प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर पांच, और बी सी स्क्वायर अब प्लस ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बी सी कहना है बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर पांच छ, तो इक्वेशन पांच और छ से क्या देख रहे हो, दोनों बराबर है, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, कहाँ जाएगा नुनु बच करके, नहीं आता
नहीं होता है, लेकिन लाके दिखाए बढ़िया लगे। कोई परेशानी की बात 99 का हो गया, अब शतक मारेंगे हम लोग। अरे फील्डर्स को बढ़िया से लगा दो सब, शतक आज ठोक देंगे हम लोग। देख लो मिला मिला करके देखो, यहाँ भी एवस कर, यहाँ भी इस पर बीवस कर, यहाँ भी सीओस कर, यहाँ भी सीओस, बीवस कर, बीवस कर, सब ठीक है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर। क्या निर्मल बाबा दर्शन दीजिए, बहुत दर्शन नहीं हुआ है, कैसे होगा, हम लोग खत्म कर दिए। तो लास्ट बच गया 100, अरे 100 कर दो के आई, 100 वाला क्वेश्चन हुआ। तो बाबू फिगर बनाओ सकते हो क्या, फिगर बना सकते हो क्या? किसी चाइना में सकत चाइने यही रबड़ बैंड का लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से लगाया ऐसा, फिर यहाँ से लगाया है, फिर यहाँ से लगाया, फिर यहाँ से घुमा करके ऐसे लगाया रबड़ बैंड। व्यास कितना है सर? ये है, ये है, ये है, ऐसा है, ये 10 पूरा 10 है, तो ये 5, ये भी 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 5। ऑटोमेटिक ये और ये हमेशा बराबर होता है। हाँ सर। तो कितना हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 10 30। ये और ये और ये तो हमारा नाप आ गया, हमको चाहिए ये, ये और ये, ये कैसे निकलेगा बउआ? की होगा बोलो, तीस तीस क्या हो, तीस ऑप्शन क्या हो, मैं हाँ तो 30 और प्लस 10 पाए आंसर, 30 वाला ऑप्शन मतलब है दिया, ये नहीं तो आंसर हो गया। और रास्ता तब कैसे करते हैं भैया, रबड़ बैंड की, हाँ रबड़ बैंड की लंबाई, रबड़ बैंड की लंबाई हो जाएगा 30 इधर हो गया, अब प्लस हमारा देखो ये भाग और ये भाग और ये भाग मिलकर के वो वृत्त बना देगा, तो पाई इंटू डी इतना हो जाएगा 30 प्लस 10 पाई। लो कैसे वो सोचते रहना करना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो बहुत, अभी पंकज तो बोल रहा है स्किप कर दीजिए, हम लोग को होमवर्क दे दीजिए, लेकिन बहुत कष्ट करके वीडियो बनाते हैं, इसका समझें, मर्म समझें और मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर ठान लिए कुछ करने का तो बीच में नहीं रुक जाने का, कुछ भी हो जब तक आप नहीं एम अपना प्राप्त कर लेते हैं तब तक बढ़ते रहें, इंजॉयमेंट कम करें, अगर इंजॉयमेंट करना है तो संडे संडे करें और बाकी दिनों में जी जान से रगड़ दें। थैंक यू वेरी मच।